आज हम बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी के 36 वीक्स में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। ट्वीन प्रेगनेंसी के 36 वीक्स में आपको पैल्विक हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिस समय ट्वींस बेबी जन्म देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं एंड अपने आप को धीरे धीरे नीचे की साइड लेके आते हैं और वो अपना पूरा वेट आपके निचले हिस्से पर डालना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आपको बहुत ही ज्यादा दर्द होगा एंड आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगी एंड आपको पाचन संबंधी भी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इस समय जो भी सारा वजन होता है वो आपके पेट पर एंड आपकी आंतों पर पड़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपको गैस, कब्ज, अपच एंड जलन और आपको सीने में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं और आपको बहुत ज्यादा मसालेदार एंड तीखा एंड जंक फूड एंड तले हुए खाद्य पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपको और ज्यादा समस्या बढ़ेगी और आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। इस वीक से आपको बहुत ज्यादा थकान होना, हर काम में दिक्कत होना और आपको उठने, बैठने, चलने और यहाँ तक कि आपको वॉशरूम जाने में भी दिक्कत होगी और साथ ही में आपको ये भी टेंशन बहुत ज्यादा होगी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपकी सिजेरियन, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा एंड आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन भी महसूस होगा। तो ऐसे में आप कोशिश करें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आराम देने की एंड अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखने की, और आप बिल्कुल भी अच्छे से सो नहीं पाएंगी, आपको नींद ना आने की समस्या एंड आपको लेटने पर बहुत ज्यादा दर्द होना एंड आपको बेचैनी होना, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा परेशान करेंगी। तो आप कोशिश करें इनको ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करने की, क्योंकि इन समस्याओं को इग्नोर करने के अलावा इनका कोई भी दूसरा सलूशन नहीं है और जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो ये सारी समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। आपको आने वाले वीक्स में डिस्चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि इस समय जो आपकी बॉडी होती है वो अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार कर रही होती है, इसलिए आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर यह डिस्चार्ज बहुत ही ज्यादा पानी जैसा एंड फीका है और आपको ब्लड आता है तो आप ऐसे में तुरंत डॉक्टर को जरूर बुलाएं। और अगर अभी तक आपको सांस लेने में समस्या हो रही थी तो इस वीक से आपको सांस लेने में काफी ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि आपके जो बेबी होते हैं वो नीचे की तरफ खिसकने की वजह से जो आपका ऊपरी हिस्सा होता है वो धीरे धीरे खाली होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए लास्ट में आप जो है बहुत ही अच्छे से गहरी और लंबी सांस ले पाएंगी। और इस वीक से आप महसूस कर सकती हैं ट्विंस बेबी होने की वजह से आपके पैरों में सूजन आ सकती है, लेकिन आप ध्यान रखें ये जो सूजन होगी वो बहुत ही ज्यादा हल्की और मामूली होगी। अगर आपको एकदम से पूरे में सूजन आ जाती है, यानी कि हाथों में, पैरों में, चेहरे पर बहुत ही ज्यादा, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसे में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है। और अगर आपको पैरों में सूजन की समस्या होती है तो आपको कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा आप खड़े होकर काम ना करें एंड एक ही पोजीशन में ज्यादा देर ना बैठी रहें। आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की, और जब भी आराम करने जाएं तो अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर रखें और पूरी तरह से रिलैक्स करें, इससे आपके पैरों की सूजन में थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। इस वीक्स में जो आपका अल्ट्रासाउंड होगा वो स्पेशली इसलिए किया जाएगा ताकि ये पता कर सके कि आपके बच्चे सही पोजीशन में है या फिर नहीं, क्योंकि इस वीक जो भी पोजीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल की जाएगी या फिर सी सेक्शन होगी। और आप एक बात ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चों की पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के अकॉर्डिंग नहीं है और नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकती है, डॉक्टर ने बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं किया है, तो आप ऐसे में अपनी मर्जी से बिल्कुल भी ट्राई ना करें, नहीं तो आप और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। इसलिए आपको डॉक्टर जो भी डिलीवरी सजेस्ट करते हैं आप उसी को कराएं, ताकि आप और बच्चे दोनों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी ये सिंगल प्रेगनेंसी नहीं है, आपकी ये ट्विन प्रेगनेंसी है। और आपका जो वेट है वो लगभग हर सप्ताह 0.6 केजी के आसपास जरूर बढ़ना चाहिए। और ट्विन्स प्रेगनेंसी के लिए अब तक का जो कुल वजन होता है वो लगभग 17 केजी से 24 केजी के बीच में रहता है, और आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा,
तो आप इस वजह से बिल्कुल भी कम पानी पीने की गलती ना करें, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस वीक से आपको अपना डिलीवरी बैग बिल्कुल तैयार करके रखना है, क्योंकि ये वो टाइम है जिस समय आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। और आपको इस वीक से हल्की पुल्की वॉक जरूर करते रहना है, जितनी की आप कर सकती हैं। आपको इस वीक में अपनी डाइट में आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, जिंक और विटामिन सी का सेवन जरूर करना है, और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।